सो आज का हमारा टॉपिक है डोंट नीड पाकिस्तान्स हेल्प फॉर टॉक्स विद अफगान तालिबान। यूएस के एनवॉय ने कहा है। सो जो यूएस के एनवॉय है टू अफगानिस्तान, मींस अभी अफगानिस्तान में है नहीं वो, बिकॉज अफगानिस्तान में भी तालिबान है, बट वो अभी इस्लामाबाद में, मींस पाकिस्तान में, वहां से उन्होंने मीडिया को ये आंसर दिया है। सो काफी ऐसे न्यूज आर्टिकल्स है जिसने इसे एक्सटेंसिवली कवर करा है। डोंट नीड पाकिस्तान हेल्प फॉर टॉक्स विथ अफगान तालिबान, सेज यूएस। सो जो यूएस के एनवॉय है जिनका नाम थॉमस वेस्ट है, ये इस्लामाबाद में गए थे 3 दिन की विजिट पे। सो वहां पर उनसे वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के द्वारा ये पूछा गया कि अफगानिस्तान से जो एक वार्तालाप होनी है, वो वार्तालाप में क्या किसी थर्ड पार्टी, क्या किसी थर्ड कंट्री का इंटरवेंशन आपको लगेगा, मींस पाकिस्तान की वहां पर बात हो रही थी। तो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है थॉमस वेस्ट ने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, इसके अलावा मेरे जितने भी कलीग्स हैं यूएस में, हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और हम इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब मीडिया ने यह भी पूछा कि क्या आपको पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऐसी काफी ज्यादा खबरें आ रही थी पहले कि कुछ भी ऑपरेशंस अगर अफगानिस्तान में करने हैं यूएस को, तो उसके लिए उन्हें पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, बट इसको भी कंप्लीटली थॉमस वेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ टाइम पहले ही अभी अफगानिस्तान से ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रहा है, जो बेसिक राइट्स होते हैं वुमेन्स के, गर्ल्स के, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, वो भी उनको प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं जब से तालिबान पावर में आया। इवन जो वुमेन्स की मीडिया में जॉब्स थी, 80% वुमेन की जॉब मीडिया से जा चुकी है। देखा जाए तो अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि ये सब रिपोर्ट बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले एक वॉर का माहौल था, अब तालिबान आ गया है, अब स्टेबल गवर्नमेंट बन गया है, यूएसए ने पहले हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके रखा था। सो मुझे लगता है आपको उस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।